नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको चाणक्य नीति सुननी हो, विदुर नीति सुननी हो, नीति शतक सुनना हो, वेदों का परिचय प्राप्त करना हो, आपको और कुछ भी संस्कृत साहित्य से संबंधित जानना हो, तो यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। प्लेलिस्ट में जाइए और लिखिए क्या आपको चाहिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अपने मतलब का विषय ढूंढिए और आनंद लीजिए। अभी रम्या रामायणी कथा चल रही है। मेघनाद के पास जो अदृश्य रहने की शक्ति है, अभी तक के वर्णनों के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक समय निश्चित है। उतने समय में ही वो अपना सारा पराक्रम दिखा करके और शत्रु हो या शत्रु की पूरी सेना को इस प्रकार का बना देता है। जैसे जब नागपाश का प्रयोग किया तो ये देखने के लिए वहां रुक नहीं पाया है कि राम लक्ष्मण बिल्कुल मरे या नहीं मरे। मान लिया कि मरी जाएंगे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भी उसको आ जाना पड़ा है। और आज भी जब राम ने ये निर्णय किया कि वो जिस स्थिति में होगा अवश्य ही मेरे बाण के द्वारा वो मारा जाएगा, वो फिर से लंका के अंदर भाग आता है पूरी सेना को छोड़ के। लेकिन हर बार तो क्या होता था कि मेघनाद लंका में आ जाता है, दूसरे योद्धा युद्ध करने के लिए चले जाते हैं उस सेना के साथ। लेकिन आज मेघनाद के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो उसके, सीधी भाषा में कहें, आज की भाषा में तो बैकअप में युद्ध करने के लिए जा पाए। इसलिए स्वयं मेघनाद ये निर्णय करता है कि अगर मैं रणभूमि में नहीं रहूंगा तो मेरी सारी राक्षस सेना मारी जाएगी। और भैया, अब लंका के पास इतनी बड़ी सेना नहीं बची है कि वो मर जाए और वो चीज बर्दाश्त कर ली जाए। इसलिए मेघनाद तुरंत ये निर्णय करता है कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। पश्चिम द्वार से पुनः वो बाहर निकलता है, लेकिन माया भी है, दुष्ट आत्मा है, रावण का पुत्र है। उसके मन में एक विचार आता है। दो बार, एक बार रावण ये प्रयोग कर चुका है कि राम की मृत्यु का समाचार सीता को दिया, एक बार महोदर ने भी ये कहा था कि आप इस प्रकार का समाचार दे दीजिए तो सीता अपने आप आपके बस में हो जाएगी। लेकिन मेघनाद उनके उलट एक नया विचार करता है कि अगर मैं सीता का वध कर दूं और ये समाचार राम तक पहुंचे तो ये पूरा युद्ध और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सीता तो रावण के पास से नहीं मिल सकती वध करने के लिए, तो एक मायाविनी सीता का निर्माण करता है अपनी माया से और उस सीता को अपने रथ पे बिठा करके और पश्चिम द्वार से बाहर निकल के वानरों के बीच में जाकर के पहुंचता है। सीता रो रही है, सभी वानर उसको रथ पे बैठा हुआ देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, तामदीनाम मलदिग्धांगीम रथस्थाम दृश्य मैथिलीम वाष्प पर्याकुल मुखो हनुमान व्यथितो भवत। उस दीन मलिन अंग वाली रथ पे बैठी हुई मैथिली सीता को देख करके, जिनका गला रुंध गया है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, ऐसे हनुमान अत्यंत व्यथित हुए हैं। देखिए, जैसा अशोक वाटिका में देख के आए थे बिल्कुल उसी प्रकार की सीता हनुमान को दिखाई दे रही है। लेकिन करें क्या, पूरी वानर सेना जैसे ही इंद्रजीत के ऊपर आक्रमण करती है, इंद्रजीत तुरंत ही कृत्वा विकोसम निस्त्रिस्रम मूर्धनी सीताम परामृशत। सबके सामने, जैसा कि कई बार फिल्मों में देखने को मिलता है, खबरदार अगर किसी ने कुछ किया तो मैं इसको मार दूंगा, उसी प्रकार से सीता का सिर पकड़ता है। जैसे ही सीता का सिर बाल वगैरह पकड़ता है, हनुमान तुरंत कहते हैं कि भाई, इस प्रकार से स्त्री का वध नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? युद्ध करना है तो हमसे करो। ताम स्त्रियम पश्यताम देशाम ताड़या मास रावणे। लेकिन हनुमान और सारे वानर देख रहे हैं उनकी उपस्थिति में वो सीता को मारता है। क्रोशंति राम रामेति माया आयोजिताम रथे। रथ पे बैठी हुई मायाविनी सीता जो है वो हा राम कह के बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है। ग्रहित मूर्ध जाम दृष्टवा
हनुमान दैन्य मागता, जैसे ही हनुमान ने देखा कि मेघनाद ने उसके बाल पकड़े हुए हैं सीता के, अत्यंत दुखी हो जाते हैं हनुमान जी। शोकजम वारि नेत्राभ्याम अश्रुजन मारुतात्मजः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हनुमान जी की आंखों में से आंसुओं की धार बह रही है, हनुमान जी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्या किया जाए। और मेघनाद को तो जैसे बड़ा आनंद मिल रहा है, क्योंकि पूरी वानर सेना दुखी हो रही है, जैसे जैसे हनुमान दुखी हो रहे हैं। दुरात्मन आत्मनाशाये केश पक्षे परामृशः। अब ऐसे में हनुमान जी कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन उससे कहते हैं, अरे पापी, अगर तू अपना विनाश चाह रहा है तो ही तू इनके सिर को हाथ लगाना, तो ही इनके बालों को पकड़ना, अगर जरा सा भी अपना कल्याण चाहता है तो सीता को छोड़ दे। धिक्पाम पापमाचारम यस्य ते मतिरीदृशी। अरे तेरे इस पापी आचरण को धिक्कार है, जो तेरी ऐसी बुद्धि है कि तू एक स्त्री का संहार करने के लिए तैयार है। यहां पे अनारिष्य दृश्यम कर्म घृणाते नास्ति निर्घृण, बहुत कुछ हनुमान ने कहा है। अरे इस प्रकार का कोई कार्य करता है? ये वीर योद्धाओं के कार्य है कि किसी स्त्री को मारना। च्युता ग्रहाच्य राज्याच्य राम हस्ताच्य मैथिली। जो सीता अपने राज्य से, अपने घर से, अपने पति से दूर हो गई है, ऐसी बिल्कुल निरीह एक स्त्री को मारने से क्या लाभ है? उसको मार के तुझे क्या मिलेगा? किम तवई अपराधा ही यद ये नाम हम तुम इच्छसी। अरे इसने तुम्हारा अपराध क्या किया है? भाई किसी को अगर आप मार रहे हैं तो उसके लिए कुछ योग्य कारण तो होना चाहिए ना। तो हनुमान जी कह रहे हैं, सीता ने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो कि तुम इसको मार रहे हो? सीताम चाहत्वा नाचिरम जीविष्यसि कथंचन। और इतना याद रखो, अगर तुमने सीता को मार दिया तो इस दुनिया में तुम जीतो नहीं पाओगे। वो इंद्रजीत जो है वो कहता है, ताम हनिष्याम वैदेहिम अद्यैव तव पश्यतः। तुम्हारे देखते देखते आज ही मैं इस सीता को मारूंगा। इमाम हत्वा ततो राम लक्ष्मणम त्वाम च वानर। और इसको मारने के बाद मैं राम को भी मारूंगा, लक्ष्मण को भी मारूंगा, और हे वानर, हनुमान से कह रहा है, तुम्हें भी मारूंगा। सुग्रीवम च वधिष्यामि, सुग्रीव को भी मारूंगा। ताम चानार्यम विभीषण, और उस अनार्य जिसने गलत आचरण किया है ऐसे विभीषण को भी मारूंगा। न हंतव्या स्त्रियश्चेति यद ब्रविषि प्लवंगम। स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, ये जो बात तुम कह रहे हो हनुमान, इंद्रजीत कहता है, पीड़ा कर अमित्राणाम यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत्। भाई दुश्मन को जिससे पीड़ा पहुंचे वो प्रत्येक कार्य रणभूमि में करणीय होता है। जिससे शत्रु को पीड़ा पहुंचे वो प्रत्येक कार्य करने जैसा होता है। तबे मुक्त्वारुतिम सीताम मायामयीम तदा। और इतना कह करके उस मायामयी सीता की चोटी अपने हाथ में पकड़ता है और देखते देखते तलवार से उसका सिर काट देता है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, शीत धारेण खड्गे ने निजघान इंद्रजीत स्वयं। किसी राक्षस से नहीं मरवाता है, स्वयं इंद्रजीत तलवार लेकर के और उसकी तीव्र धार से यज्ञोपवीत मार्गेण भिन्ना देने तपस्विनी। जैसे कोई यज्ञोपवीत पहनता है इसी प्रकार से सिर से लेकर धड़ तक पूरा सीता को काट के दो टुकड़े कर दिए हैं। सा पृथिव्याम पृथु श्रोणी पपात प्रिय दर्शना। और वो अत्यंत सुंदर सीता पृथ्वी पे गिर जाती है। हनुमान ने जैसे ही ये दृश्य देखा है तुरंत ही, मया रामस्य पश्येमाम प्रियाम सस्रे निषूदिताम ऐसा विशेषता वैदे विफलो वह परिश्रमा। वो सोचते हैं कि अब ये तो मैंने अपनी आंखों से, मैं देखते देखते कुछ नहीं कर पाया, इस प्रकार से सीता को देखा है, अब तो हमारे सारे प्रयत्न ही, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लेकर के राम सीता को छुड़ाने के लिए तो लंका आए थे। भाई हनुमान जी को तो यही लगता है, बाकी हम आप तो जानते हैं कि राम ने बाद में ये कह दिया कि मेरा जिसने अपमान किया, सूर्यवंश पे जिसने कलंक लगाया, उस रावण को दंड देना मेरे लिए जरूरी था। मैं तो इसलिए लंका में आया था, रावण को दंड देने आया था, सीता छुड़ाना ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। भविष्य में हम इस कथा को देखेंगे, अवश्य ये हमारे सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे हनुमान को ये लगता है कि सीता के मरने के कारण विफलो वह परिश्रमा, हमारा परिश्रम जो है वो निरर्थक हो गया है। लेकिन हनुमान को गुस्सा भयंकर आया है, वानर मेघनाद ने वहाँ रथ पे सीता को मार के और जोरदार गर्जना किए, सारे वानर इधर भागने लग गए हैं। विषण रूपा से ऐसा प्रदुद्रवो तम हृष्ट रूपम संबीक्ष वानरा।
मेघनाथ को इस प्रकार से प्रसन्न देकर के सारे वानर वहां से भागने लग जाते हैं। वो और गर्जना करके वानरों के ऊपर आक्रमण करता है। इधर हनुमान सभी वानरों को रोकते हैं। एक बार वानरों के हनुमान के और मेघनाथ के बीच में जोरदार युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद हनुमान का अब युद्ध में मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सब कुछ निरर्थक हो गया है। ऐसे में वो वानर सेना से ये कहते हैं कि भैया चलो वापस चलो। उधर इंद्रजीत भी अपनी सेना को लेकर के लंका में प्रवेश करता है और इस प्रकार से आज का युद्ध यहाँ पे पूरा होता है। हनुमान अपनी पूरी सेना लेकर के वापस आ रहे हैं। इधर जब बड़ा जोरदार मेघनाथ ने गर्जना की है और राम ने उस गर्जना को सुना है, तो राम ने तुरंत जामवंत से कहा कि भाई पश्चिम द्वार से हनुमान के साथ भयंकर युद्ध की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप हनुमान की मदद के लिए जाओ। इधर जामवंत जो हैं अपने पूरे ऋक्ष सेना को लेकर के जब प्रस्थान करते हैं तो सामने से आते हुए हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी वो सारी कथा जो है वो जामवंत से कहते हैं और उसके बाद अपना सब मुँह लेकर के राम के पास आकर के पहुँचते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ, आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और सिर्फ यही कथाएं मत सुनिए, बालकांड से अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, सभी पूरी कथा प्रस्तुत की जा चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, अगर आपको तथ्य जानने हैं, अगर आपको वाल्मीकि रामायण को समझना है, तो आपको आदि से लेकर के पूरी कथा सुननी चाहिए और उसका आनंद लेना।